हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि SQL को कैसे इंस्टॉल करना है, और वो वीडियो आपको पहले क्यों आया कि हो सकता है आपको कुछ डाउट आए, आपके में कुछ एरर शो हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो आप ग्रुप पे आकर के पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को बता दें तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे इशू को। सबसे पहले हमारे 11 चैप्टर है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जो थ्योरी है वो थोड़ा पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ी अब क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट में एक फ़ायदा होता है कि आपको मतलब अगर स्टोरी फॉर्म में पता चल जाए तो आप ज़्यादा जल्दी से उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, इस चैनल में मैं क्लास 12th का अभी जो टर्म 2 चल रहा है उसमें SQL पूरी पढ़ाने वाला हूँ आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको विच इज़ ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करना है, एक आपको लिंक मिलेगा, किस चीज़ का लिंक आपको मिल रहा होगा वहाँ पर, एक टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। वहाँ पर एक लिंक है विच इज़ ऑफ टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें लिखा होगा पाइथन क्लास 12th। सो आप उसको जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपने ग्रुप पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट। सॉरी, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है। अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें जो बिल्कुल आपके वर्ड टू वर्ड आपके बुक में लिखी हुई है, सो भैया वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस के यूज़ कर रहे हो, उसका भी एक रीज़न है इसके पीछे कि आपने अभी तक वही पढ़ रखी है, अगर मैं बहुत ज़्यादा चेंज लेके आऊँगा तब को प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं उसको इतने अच्छे समझा दूंगा कि आपको काम हो जाएगा, और अगर एक बार तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आप उसको भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। सो अ डेटाबेस मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। अब देखो क्या होता है, एक डेटाबेस है जिसमें कि बहुत सारी टेबल बनती हैं, ठीक है। एक मान लो इसको हम बोल देते हैं ये हमारी हो गई टेबल 1 और ये हमारी हो गई क्या टेबल 2। सो हम डेटाबेस में क्या करेंगे, बहुत सारी टेबल बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है इंटर रिलेटेड, मतलब कि इसका मतलब समझो पहले, मतलब एक दूसरे से रिलेशन होता है इस टेबल का, यानी टेबल 1 ये रिलेट होगी टेबल 2 के साथ में, क्या स्टोर टुगेदर। अब जब ये दोनों टेबल जब एक साथ स्टोर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस, ठीक है। स्टोर टुगेदर की बात हो गई, टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस, मतलब इसके बहुत सारे हम इसको यूज में ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब दूसरा सवाल आता है हमारा कि हमें DBMS की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड ही क्या है, अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अच्छा देखो, डेटाबेस क्या होता है कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब कि एक अच्छे तरीके से, ताकि हम जब चाहें तो हमको बड़ी आसानी से मिल जाए, वो हमें इस तरीके से रखना होता है। तो उसमें हम क्या क्या चाहते हैं कि उसके अंदर हमारी जो है एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और प्राइवेसी होनी चाहिए। मतलब कि आपने सुना होगा कि कभी कभार जो फेसबुक के डेटाबेस को लोग चोरी कर लेते हैं, डेटा चोरी करते हैं ना, तो वैसे ही डेटा प्राइवेट होना चाहिए हमारा। और तीसरा क्या है, डैमेज से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। अगर अच्छा एक बात बताऊँ, इसका हम बहुत अच्छा सा मस्त एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तुमको। हमारे स्कूल में क्या होती है, असेंबली होती है, ठीक है, जिसमें सब बहाने बनाते हैं तुम लोग, है ना। सो असेंबली होती है, असेंबली उसमें क्या होता है, जो लाइन लगती है, किस तरीके से लाइन लगती है, लाइन हमारी लगती है क्लास 1 के बच्चों की, एक अलग से लाइन लगेगी, ठीक है, ये लाइन मान लेते हैं। और यहाँ पर क्लास 2 के बच्चों की लाइन अलग से लगती है, क्लास 3 के बच्चों की अलग से लगती है, ऐसे ही आप मान लेते हैं क्लास 10 तक की असेंबली हो रही है। तो क्या है, यहाँ पर 10 रोज़ प्रॉपरली 10 रोज़ लगाई जाती हैं। और अगर आप देखोगे, अगर प्रॉपरली लगी हुई हैं, प्रॉपर हाइट वाइज लगी हैं, कैसे लगती हैं वो, हाइट वाइज लगती हैं ना, तो वो कितना ऑर्गेनाइज लगता है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। हमें जिसको बुलाना होता है हम बुला सकते हैं। हम मान लें अगर हम इसको रोल नंबर वाइज, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपके क्लास में आपका जो अरेंजमेंट होता है किस तरीके से होता है, रोल नंबर वाइज होता है ना, रोल नंबर वाइज अल्फाबेटिकली नेम के अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। तो उससे क्या है, वो आपका क्या है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। राइटिंग में ध्यान मत देना कि टचपैड पे लिख रहा हूँ, तो अभी इतनी प्रैक्टिस हमारी नहीं हुई है इस पर, वो भी हम काम कर रहा हूँ, इस पर राइटिंग आपको अच्छी धीमे धीमे मिलने लगेगी। सो इसके बाद अगर बात करते हैं यार कि हमें डेटाबेस में ये चीज़ चाहिए, इन सबको सॉल्व करने के लिए DBMS का कंसेप्ट आता है यहाँ पर, कि उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक और चीज़ देखते हैं यार कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ DBMS सिस्टम ये क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कि अगर तुमने कोई फ़ोन खरीदा, क्या बेसिकली अगर आपने एक
फोन खरीदते हो आप, क्या स्मार्टफोन खरीदते हो ना, ठीक है, ओके, इसको किस किस यूज के लिए खरीदते हो भैया? ये हमारा बहुत ज्यादा काम की चीज है, ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता है। कहाँ कहाँ करता है भैया? हम इससे म्यूजिक सुन सकते हैं, गाने, और हम इसमें वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, हम इससे भैया पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि तुम बहुत कम करते हो, पढ़ लिया करो भाई। और भैया हम इसमें गेम भी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं भैया, हम इसमें फ्री फायर खेलते हैं, बहुत सारे गेम हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, ये हमारे कई सारे काम कर रही है। उसी तरीके से इसके ओवरऑल वैल्यू, हम जब फ़ोन खरीदते हैं कैसे खरीदते हैं कि यार ये फ़ोन हमारा, इसका क्या क्या अच्छा फीचर जो हमको चाहिए होता है, हमारे अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं। तो DBMS में क्या होगा कि जो ओवरऑल वैल्यू जो उसकी बताई जाएगी, किसके बेसिस पे, कि कितनी जल्दी ये किस किस लिए, मतलब कि कहाँ कहाँ अडेप्ट हो सकता है, समझ रहे हो, इसमें कितनी जल्दी मॉडिफिकेशन हो सकता है, कितनी एक्यूरेटली डेटा में इसे निकाल सकते हैं, तो वो होती है इसकी ओवरऑल वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डेटा रिडंडेंसी, इसका क्या मतलब होता है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी, मतलब कि हमारे पास एक टेबल है यहाँ पर, ओके, हमने क्या किया है कि उसमें दो एंट्रीज जानबूझ के, कई बार आपने जब आपने देखा होगा कि आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है स्कूल का, उसमें एक नाम जानबूझ कई बार गलती से दो बार एंटर हो जाता है, तो वो क्या होता है, डेटा का डुप्लीकेट होना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने आपका एग्ज़ाम था, क्या था तुम्हारा एग्ज़ाम, ठीक है, और आपको दो पेन चाहिए थे, एक चाहिए था ब्लू और एक चाहिए था आपको ब्लैक, ठीक है। तुमने क्या किया, आप जल्दबाजी में पेन उठा लाए घर से, और आपको टोटल दो पेन चाहिए था, आप दो पेन उठा लाए और दोनों ब्लू ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गई, डेटा का डुप्लीकेशन हो गया, दो पेन आ गए ब्लू, आपको एक ब्लू और एक ब्लैक चाहिए था, तो ये होती है आपकी डेटा की रिडंडेंसी। अब देखेंगे हम डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, कि मिसमैच मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल हैं और मिसमैच भी हैं, सो हम उसको क्या बोल देंगे, डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखो बेसिकली अभी जो आपको स्टार्टिंग के स्केल पढ़ा हूँ वहाँ पे क्या है, आपको बेसिक ध्यान किस चीज़ पर रखना है, लैंग्वेज पे, जो लैंग्वेज लिखी हुई ना उसको बड़े अच्छे से समझना है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब मैंने बताया यार कि पर्पस क्या था, कि इन सभी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज ऑल द प्रॉब्लम्स, तो कभी भी प्रॉब्लम जीरो नहीं होंगी, याद रखो इस चीज़ को, मैंने हमेशा यहाँ पे लिखा है आपकी बुक में भी, अगर ध्यान से पढ़े हो आप तो आपको लिखा होगा, मिनिमाइज पर हाईलाइट कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहे हैं हम, जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, ये जीरो कभी नहीं होगा, ओके। सो DBMS यहाँ पर आता है रोल में, चलते हैं आगे। अब समझेंगे हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है। देखो डेटा, अभी मैं आपसे पहले समझो कि जो डेटा है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहले पॉइंट क्या लिखा है कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेबल्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, टेबल, मतलब कि हमने टेबल वन बना ली, जैसे कि आपके बुक में बनी है, एक सप्लायर की टेबल आपको देखने को मिल जाएगी, और एक टेबल हम बना लेते हैं सप्लायर आइटम करके कुछ है, ठीक है, सप्लायर आइटम मान लेते हैं। सो क्या है कि अब जो ये टेबल हैं, हम टेबल को बोलते हैं रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिलेशन। अब देखो हमारे पास लेट अस सपोज ये टेबल है, टेबल वन, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं टेबल वन। तो टेबल वन क्या है, एक रिलेशन है, ओके, दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई। अब समझो इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्यों पड़ा। देखो रिलेशनल लिखा है ना, रिलेशन यहाँ तक समझो, टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो डेटाबेस के अंदर क्या होती है, डेटाबेस को हम कैसे स्टोर करते हैं, डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे। सो इसको ये हो गया, टेबल्स को बोला गया रिलेशन, और रिलेशन डेटाबेस मॉडल, क्योंकि हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ओके। अब क्या है, जो रिलेशन वो क्या होता है आपका, रिलेशन एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ वैल्यूज। मान लो हमारे पास एक टेबल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये रही हमारी टेबल, ओके, इसमें क्या है यार कि एक हमारा SR नंबर है, ठीक है, SR नंबर, और हमने एक ले लिया कॉलम रोल नंबर का, और एक हमने कॉलम ले लिया हमने नेम का, ओके, और हम ले लेते हैं कॉलम मार्क्स का, चलो। तो इसमें क्या है, अब एक टेबल बन गई, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगी कोई भी क्लास का, क्या, कोई भी क्लास का एक रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस बच्चे का रोल नंबर,
उस बच्चे का रोल नंबर, नेम और मार्क्स का क्या एक रिलेशन है। चलो अब यहाँ से हम समझेंगे, कुछ कंपोनेंट समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बाइट क्या होता है देखो, बी वाई टी, ठीक है। बाइट हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 8 बिट, 8 बिट का जो ग्रुप है उसको बोला जाएगा बाइट, एंड विच इज यूज टू स्टोर अ करेक्टर। अब जो बाइट है आपका एक करेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। लेट अस सपोज हमने एक हमारे पास एक टेबल है जिसका एक कॉलम है नेम। क्या कॉलम है? नेम। हम इसमें क्या करेंगे, नेम एंटर कराएंगे, ठीक है भैया। मेरा नेम देखो क्या है, विशाल, वी आई एस एच ए एल। अब जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया कि जो 1 byte होता है, बाइट, देखो बिट और बाइट में डिफरेंस होता है, याद रखो इस चीज़ को। थोड़ा कलर ये वाला ले लेते हैं, एक सेकंड इसको ले। देखो बी वाई टी ई, बाइट। सो ये जो बाइट है एक करेक्टर में क्या होगा, एक बाइट, एक करेक्टर में आपका एक बाइट आएगा, ठीक है। ओके मेरे नेम में कितने करेक्टर हैं देखो, वी आई एस एच ए एल, 1 2 3 4 5 6, 6 करेक्टर है, तो 6 करेक्टर हो गए। सो आपको मेरे नेम के लिए कितने बाइट चाहिए, मेरे नेम के लिए आपको चाहिए होंगे 6 byte। ओके एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक नेम है क्या, सचिन, कलर चेंज कर लेते हैं काफ़ी अच्छा लगेगा थोड़ा, एस ए सी एच आई एन। सो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, तो कितने करेक्टर हैं, 6 करेक्टर। 6 करेक्टर के लिए कितना चाहिए होगा, 6 byte। क्या तुम्हें समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई फीडबैक हो तो वो ही बताना है, कंटेंट थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे हम साथ साथ। अब देखते हैं क्या रिकॉर्ड, नहीं सॉरी डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या है कि कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके, देखो आपको यहाँ एग्जांपल समझाता हूँ, ये लिया हुआ मैंने, इसका कलर करते हैं हम थोड़ा चेंज, भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक आपका ये जो लिखा है विशाल, ये क्या है, एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विशाल क्या हो गया यहाँ पे, विशाल हो जाएगा आपका डेटा आइटम है, ये विशाल है आपका डेटा आइटम, ठीक है, डेटा आइटम। वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, डेटा आइटम बताया था, अब एक ही डेटा आइटम है तुम्हारा, अब इसका कलेक्शन देखो, ये भी एक डेटा आइटम है, ये भी एक डेटा आइटम है, ये भी एक डेटा आइटम है, और ये भी एक डेटा आइटम है। तो इन सभी को जब हम प्लस क्या कर देंगे, कंबाइन, सबको प्लस कर लो, सबको जब हम प्लस कर देंगे तो सब साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं, सब साथ में मिलकर बना रहे हैं एक रिकॉर्ड। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिकॉर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, चलते हैं अब हम वापस। अब बात करते हैं टेबल क्या है। एक टेबल क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, समझे। जो अभी हमने बात की थी उसमें डुप्लीकेसी भी नहीं होनी चाहिए और इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए। सो क्या होगा, एक ऑल लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स जहाँ पे होंगे उसको हम टेबल बोल देंगे, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रोज। अब इस पूरी टेबल के अंदर अगर बात कर लूँ मैं यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, सारे रिकॉर्ड जो आपके क्या हैं, लॉजिकली हैं, सारे रिकॉर्ड जो आपके हैं वो लॉजिकली है ना। हाँ भैया लॉजिकली है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे SR नंबर को देख लो, सारा प्रॉपर लॉजिक में है। तो ये क्या है, आपकी टेबल है। नेक्स्ट क्या है, फील्ड्स क्या होते हैं। देखो कॉलम रिप्रेजेंटेड वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर अगर इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे क्या है, एक कॉलम को उठा लेते हैं। चलो ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम मैंने उठा लिया। अब इस डिपार्टमेंट में क्या है, सिर्फ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, मतलब कि सेम टाइप सब। अगर इसके अंदर, इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड सॉरी इसको ले लेते हैं। देखो हाँ, अगर ये डिपार्टमेंट लिया था हमने, हाँ भैया, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके नीचे, इस कॉलम के नीचे सारी इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है वो क्या, डिपार्टमेंट। एक टीचर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मतलब कि ये फील्ड है। ये डिपार्टमेंट क्या है, फील्ड। ओके इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो क्या, सेम टाइप की है। और किस टाइप की है, जो इसका नेम है उसके अकॉर्डिंग है।
वैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, ये ले लेते हैं मार्क्स को थोड़ा। अब मार्क्स उठाते हैं, मार्क्स में क्या है, सभी के मार्क्स एंटर हो रखे हैं। और अगर हम यहाँ पे नेम की बात करें तो सबके यहाँ पर नेम एंटर हो रखे हैं, मतलब कि सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। वैसे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, सेम टाइप। ठीक है, सेम टाइप। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ समझ लो, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की होती है अकी इन अ फील्ड दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिलेशन। समझो, आओ वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, ये हमारी टेबल बनी हुई है, ठीक है, और इस टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं, मैंने बताया था अभी। इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, आपको देखो चीज़ें याद रखनी है, और कोई चीज़ नहीं समझ में थोड़ा वापस से देख लेना इसको। हम एक टेबल को क्या बोलते हैं, एक टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन में एक यूनिक वैल्यू की, इसमें यूनिक क्या है, एसआर नंबर। देखो हो सकता है सबसे मैक्सिमम, अगर मान लो एक डेटाबेस बनाया हमने, किसका बनाया, एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं हम, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा लिख के बताता हूँ, एक हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं, किस किस का बनाना है हमको, पूरे स्कूल का बनाना है, किसका बनाना है हमको, पूरे स्कूल का। तो पूरे स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन किस बेसिस पर किया जाता है, भैया एसआर नंबर होता है उनका, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर, जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर आप रोल नंबर को मेजर लेंगे, हम किसको, भैया हम रोल नंबर को भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन रोल नंबर क्लास में, मान लो हमने अगर यहाँ पर एक रोल नंबर को भी मेजर ले लिया, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा रोल नंबर 28 है, जैसा मैंने इसमें लिखा है भाई, मेरा रोल नंबर 28 है, तो किसी दूसरे क्लास में, मैं मान लो क्लास 10th में हूँ, ओके, कोई बंदा क्लास 12th में, हर क्लास में 20 रोल नंबर होगा, हाँ भैया होगा, तो डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा ना, लेकिन DBMS का कंसेप्ट क्या था, डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने समझा प्राइमरी की कंसेप्ट, जो आपके पूरे कंपोनेंट्स है वो भी हमने समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे